हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 3 का विज्ञान के बढ़ते क्रम पढ़ेंगे पार्ट 1 से। पार्ट 1 में है सजीव वस्तुएं, इसका पूरा नाम है हमारे चारों ओर का संसार। तो इस पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे, देखते हैं सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के मध्य मूलभूत अंतर के बारे में, जो मूलभूत अंतर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे उन सभी क्रियाओं के बारे में जिन्हें सजीव वस्तुएं कर सकती है तथा निर्जीव वस्तुएं नहीं कर सकती है। तो यही दो पॉइंट है जिसको हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अनेक वस्तुएं दिखाई देती है, जैसे पौधे, जंतु, पर्वत, पक्षी, वाहन आदि। हम अपने जब भी नज़र उठाते हैं, अगल बगल देखते हैं तो बहुत सारे वस्तु हमें दिखाई देती है। ये सभी वस्तुएं एक जैसी नहीं होती है, कुछ बड़ी होती है जबकि कुछ छोटी होती है, कुछ सजीव होती है जबकि कुछ निर्जीव होती है। सजीव वस्तुओं में जीवन होता है और ये स्वयं कार्य कर सकती है। तो जो सजीव वस्तु होती है उसमें से सबसे मेन पॉइंट होता है कि उसमें जीवन होता है और वे अपना काम स्वयं करती है। देखिए यहाँ पर सजीव वस्तुएं हैं, पेड़ है, चिड़ियाँ हैं, बकरी, गाय, मनुष्य हैं, ये सब अपने इसमें जीवन होता है और ये स्वयं अपने कार्य को करती है। दूसरी ओर निर्जीव वस्तुएं होती है, देखिए दूसरी ओर वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है तथा स्वयं कार्य नहीं कर सकती है निर्जीव वस्तुएं कहलाती है। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, चट्टान, खिलौना, वस्त्र आदि निर्जीव वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। यहाँ देखिए ये सब इतनी सारी उदाहरण दिया हुआ है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, पहाड़ है, खिलौना, कपड़ा है, टोपी है, ये सब में जीवन नहीं होता, ये सब निर्जीव वस्तु होती है। तो आइए हम लोग कुछ गुण सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से भिन्न करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सजीव वस्तुएं गति कर सकती है। तो जो सजीव होती वस्तु होती है उसे भोजन, वस्त्र तथा रहने के स्थान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है। ये कई बार स्वयं को शत्रुओं से बचाने के लिए गति करती है। जैसे मनुष्य है, जंतु हैं, अपने पैरों के द्वारा सहायता से दौड़ सकते हैं और चल सकते हैं। कीड़े मकोड़े तथा पक्षी अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। देखिए ये सब सजीव वस्तुएं हैं और ये खुद गति कर रहे हैं चलकर, उड़कर। इसी प्रकार मछली और सांप और मेंढक भी है, ये लोग भी गति करते हैं। किस प्रकार से मछली तैरकर गति करती है, मेंढक रेंगते हैं और सांप, ये मेंढक कूदते हैं और सांप रेंग रहे हैं, गति कर रहे हैं। दूसरी ओर है निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु जैसे मेज, खिलौना, साइकिल आदि गति नहीं करती क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता है। तो जैसे यहाँ टेबल कुर्सी है, खिलौना है, साइकिल है, कार है, तो ये सब गति नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह निर्जीव होता है। दूसरा पॉइंट है सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। तो सभी सजीव वस्तुएं जैसे पौधे, जंतु तथा मनुष्यों को वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर के विभिन्न अंगों में सदैव आंतरिक वृद्धि होती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप सजीव वस्तुओं की आकृति तथा आकार बदलता रहता है। तो सभी सजीव वस्तुएं क्या करती है, वृद्धि करती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा ये है शिशु, ये खाना पीना बढ़िया से खा पी कर हल्का हल्का वृद्धि होकर बड़ा हो जाता है। ये बड़ा मनुष्य है, वयस्क है। ये छोटा सा बिल्ली है जो पोषण लेकर, खाना पीना लेकर एक छोटा बिल्ली से बड़ा बिलौटा बन जाता है, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी क्रिकेट की गेंद और गुड़िया को आकार में वृद्धि करते हुए देखा है? ऐसा इसलिए क्योंकि निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं करती है तथा ऐसे ही रहती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं छोटा सा बच्चा वयस्क में बदल जाता है और छोटी सी बिल्ली जो है वो बढ़िया से पोषण संतुलित आहार लेकर वो बड़ा बिलौटा बन जाती है। लेकिन कभी भी एक गुड़िया, गेंद, ये कभी भी वृद्धि नहीं करती क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता है और ये बड़ा नहीं हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सजीव वस्तुएं प्रजनन कर सकती है। सजीव वस्तु जो अपने वंश की वृद्धि के लिए कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, है ना, इसलिए वो वृद्धि करते हैं। जैसे देखिए बच्चे अंडा होता है, पक्षी तथा कुछ जंतु होता है जैसे सांप, मछली, मगरमच्छ, ये सब अंडे देते हैं और इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। मनुष्य भी शिशुओं को जन्म देते हैं,
कुछ जंतु भी अपने जैसे जंतुओं को जन्म देते हैं, उदाहरण के लिए देखिए कुत्ता, बिल्ली, गाय तथा बाघ। यहाँ पास देख रहे हैं, माँ एक शिशु को जन्म देती है, प्रजनन हो रहा है। गाय भी एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है। बिल्ली भी अपने ही जैसे एक छोटा सा बच्चा को जन्म देती है जो प्रजनन कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया, वे जन्म नहीं देते हैं बल्कि वो एक अंडे देते हैं, तो अंडे के द्वारा भी प्रजनन होता है। फोर पॉइंट है, सजीव वस्तुएं सांस लेती है अपने जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए सांस लेती है। श्वसन सजीव वस्तुओं का मुख्य रूप है। जब हम सांस नहीं लेंगे तो हमें मरा हुआ कहा जाएगा, इसलिए मनुष्य को सभी भी सजीव वस्तुओं को जिंदा रहने के लिए सांस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सांस लेंगे तो जिंदा रह पाएंगे और यह मृत्यु तक जारी रहती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निकासन करते हैं, छोड़ते हैं। सजीव वस्तुओं में सांस लेने के लिए विशेष अंग होते हैं, जैसे मनुष्य अपनी नाक तथा फेफड़े की सहायता से सांस लेते हैं। कीट जैसे टिड्डा के शरीर में सांस लेने के लिए वायु छिद्र होते हैं। मछलियों में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। जंतु जैसे केंचुए जो अपने त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। देखिए मनुष्य है, नाक के द्वारा सांस ले रहे हैं, टिड्डा है यहाँ पर, देखिए वायु छिद्र है, मछली है तो मछली गलफड़े के द्वारा सांस ले रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, सजीव वस्तुओं को भोजन तथा जल की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को वृद्धि के लिए, देखिए जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो मुख्य रूप से मनुष्य भोजन में दूध, मांस, फल, अंडा सभी को ज़रूरत होती है। कुत्ता भी है, ये भी सजीव वस्तु है, तो इसे भी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी भी निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु जो होती है उसे निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सिक्स पॉइंट है, सजीव वस्तुएं अनुभव कर सकती है। देखिए सभी सजीव वस्तुएं अपने अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करती है। मनुष्यों तथा जंतुओं में 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है, जैसे कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ सभी सजीव वस्तुओं में पाई जाती है। उदाहरण के लिए एक बिल्ली चूहे को सूंघ सकती है, ठंडी वायु को हम कांपते हैं। कीट सदैव प्रकाश की ओर उड़ते हैं, जैसे पौधे हैं जैसे छुई मुई। देखिए यहाँ पर छुई मुई का पौधा है, ये अनुभव कर सकता है, जब हम इसे छूते हैं तो ये मुरझा जाता है। यहाँ कीटाहारी पौधे हैं, ये भी जब कीड़ा आता है तो ये अपना पूरा पंखुड़ी को खिला देता है और फिर ये तुरंत कीड़ा जाने के बाद ये बंद कर लेता है। देखिए छाया में रखा हुआ पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों चित्र देख लें, छुईमुई का पौधा और कीटाहारी पौधा, ये दोनों अनुभव करते हैं। निर्जीव वस्तुएं अनुभवहीन है होती है। यदि हम एक खिलौना को सुई चुभाएंगे तो वह रोएगा नहीं, क्यों? क्योंकि वह अनुभव नहीं करता है। तो सजीव वस्तुएं अनुभव करती है, जैसे मनुष्य हो गया अनुभव करते हैं, लेकिन ये सब पेड़ पौधे ये भी अनुभव करते हैं, लेकिन एक खिलौना हो गया वो अनुभव नहीं करेगा। ठीक है।